मैंने टेस्ट कम दिए थे, मैंने डीपीपी कम सॉल्व करी थी, अगर रियल रीजन फाइंड आउट करोगे तो आप से प्रेशर क्रिएट हो गया, उसकी वजह से सिली मिस्टेक हो गई। ये कौन सा बेटा, ये क्या चीज थी एग्जैक्टली? ये वो कारण था जिसे आप इमीडिएट कारण बोल सकते हो। लेकिन मैं आपको बेटा, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बताना, क्या ये रियल कारण था? अगर असली कारण आप खुद से आज पूछोगे तो असली कारण क्या आएगा कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों की तैयारी काफी ना हो। सही है, हो सकता है आपने डीपीपी सारी ना लगाई हो सकता है आपने टेस्ट सारे ना दिए हो, सिलेबस टाइम से खत्म ना किया हो। आप बताओ जरा, क्या मैं सारी बातें मतलब झूठ बोल रहा हूं यहां पर? हो सकता है आपकी प्रैक्टिस उतनी काफी ना हो। ये तो सिर्फ लक है ना बेटा, ये तो लक है कि आप उस दिन प्रेशर ले पाए नहीं ले पाए। इसके लिए तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। इसकी बहुत प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हैं बार बार ओएमआर भरने की, नहीं, आपको क्या है इन चीजों को परफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अपने दिमाग में आप रियल रीजन फाइंड आउट कर लोगे, मैंने टेस्ट कम दिए थे, मैंने डीपीपी कम सॉल्व करी थी, अगर रियल रीजन फाइंड आउट कर लोगे तो आपके फेलियर के बेटा चांस कम हो जाएंगे। आपको डर नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि ये जो रियल कमियां हैं मैं इस साल दूर कर रहा हूं तो मैं फेल कैसे हो जाऊं।